चंद्रयान 3 लैंडिंग वाले दिन से लेकर अभी तक चर्चा में बना हुआ है। लोग ज्यादा से ज्यादा चंद्रयान 3 के बारे में जानना चाहते हैं। विदेशों से अभी तक बधाइयों का सिलसिला आना रुका नहीं है। इसरो प्रज्ञान के द्वारा भेजी गई जानकारी को डिटेक्ट करने में लगा हुआ है। इन्हीं सब बातों के बीच पाकिस्तान से आने वाली सीमा हैदर ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने हाल ही में एक वीडियो जारी करके बताया कि वो भारत के चंद्रयान 3 की सफलता का हर साल जश्न मनाया करेंगी। सीमा ने कहा है कि वो हर साल 23 अगस्त को उपवास रखा करेंगी। इससे पहले भी वो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए उपवास रख चुकी हैं। उनका कहना है कि जब पीएम मोदी इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित कर रहे थे, उस टाइम उनके वकील एपी सिंह का कॉल आया और उन्होंने उनसे उनका भाषण सुनने को कहा। उनका भाषण सुनकर वो इतना प्रभावित हो गई कि उन्होंने ये फैसला ले लिया। पत्नी सचिन मीना, आज सुबह मेरे वकील डॉक्टर एपी सिंह सर की मुझे कॉल आई। उन्होंने कहा कि देखो, हमारे देश के प्रधानमंत्री इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने पहुँचे हैं। तो मैंने टीवी ऑन करी और उनका भाषण चल रहा था, उससे मैं बहुत प्रभावित हुई। मैंने ये फैसला लिया है, हर साल 23 अगस्त को मैं प्रतिज्ञा किया करूँगी और जो चंद्रयान की सफलता हुई है, मैं वर्ती रही थी। मेरे चंद्रमा भगवान और मेरे सारे देवी देवताओं ने मेरी प्रार्थना सुनी और इसलिए मैंने ये भी फैसला किया है कि हर साल 23 अगस्त को मैं वर्ती रहा करूँगी। और जो वहाँ शिव शक्ति और तिरंगा स्थान किया गया है, उनको मान के मैं पूजा भी किया करूँगी। सीमा हैदर के इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।